हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल टेकपुर। मैं दीपा, आप सभी के आपके अपने चैनल टेकपुर बाय एग्जामपुर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो भाई सभी? जल्दी आ जाइए गाइस, एक बहुत बढ़िया सी अपडेट आप लोगों के लिए निकल के आई है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा चाहे ITI, इन सभी विद्यार्थियों के लिए एक नई भर्ती निकल के आई। तो वो जैसे आप लोगों को पता है 5 बज गई है और मैं 5 बजे रोज आप लोगों से यहाँ टेकपुर पर जुड़ती हूँ। हमारी क्लास होती है 5 बजे, नहीं तो किसी दिन अगर क्लास नहीं होती तो मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ अपडेट देने आती हूँ। तो भाई रोज आप लोगों से यहाँ पर मिलती हूँ। फटाफट से सभी बच्चे इसी बात पे एक बार पहले सेशन को शेयर करेंगे, फिर आप लोगों को बता दूं BDL, जैसे आप लोगों ने नाम देखा था कि थंबनेल में देखा BDL रिक्रूटमेंट 2020, यानी कि BDL बोले तो भारत डायनेमिक रिक्रूटमेंट है। भारत डायनेमिक लिमिटेड ने आपकी कुल मिला के लगभग 80 से 100 पोस्टों के लिए भर्ती निकाली है। नो डाउट ये इसमें इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वाले भी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी चाहिए, ITI वाले भी चाहिए। पूरी जानकारी यहां पर आपको दूंगी, क्या क्या जानकारी है पहले आप यहां पर देखेंगे भाई। तो उस जानकारी को देखने के लिए यहां पर सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे, सेशन शेयर करेंगे भाई। पहले सबसे पहले यहां पर देखिएगा, ये थोड़ा सा जूम कर देती हूं। भारत डायनेमिक लिमिटेड ने आपकी लगभग 80 पोस्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि भारत डायनेमिक लिमिटेड ने कितनी हमारी 80 पोस्ट यहां पर निकाली है। लेकिन ये जो पोस्ट है वो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की। कौन सी है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है। अगर भाई सिंपल सी बात है, घर पे खाली बैठने से अच्छा है, वेले बैठने से अच्छा है कि कॉन्ट्रैक्ट की बेस को, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी जॉब ज्वाइन की जाए। तो 80 पोस्ट निकाली उसने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, लेकिन फिक्स टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है। अब कहां कहां पर भर्ती होगी पहले ये देख लेते हैं। है जहां जहां इनके भारत डायनेमिक लिमिटेड के प्लांट होंगे, जैसे कि हैदराबाद में है आपका, फिर उसके बाद आपका न्यू दिल्ली में, आपका यहां हमारे न्यू दिल्ली में होगा, फिर आपका इसके बाद आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, तेलंगाना में है, विशाखापट्टनम में है, तो वहां पर आपकी या इन इन जगह पर आपकी ये पोस्ट जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कौन कौन एलिजिबल है ये सारी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि पोस्ट निकली किस किस के लिए है। ये जो प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल वालों की है, इलेक्ट्रिकल टूल डिजाइन, HR, फाइनेंस, स्टोर कीपर, इन सब के लिए यहां पर निकली है। यहां पर आपको बता दूं जो ये प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट है, ये हमारे डिप्लोमा वालों के लिए, 3 ईयर जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनके लिए है। ऐसे ही नीचे यहां पर मैं आपकी अभी लेके आऊंगी, ये टोटल 36 हो गई। इसके बाद यहां पर आते हैं ट्रेड असिस्टेंट, एक आते हैं प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स पेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, स्टेनोग्राफर, और यहां पर आपके इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के, फिर फिटर के, इलेक्ट्रीशियन के। मेन जो ITI की ट्रेड रहती है बच्चों की वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, और हमारी ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ये वाली आपकी रहती हैं। तो उनके लिए यहां पर याद रखिएगा, जो प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट है वो है हमारे किन के लिए? हमारे डिप्लोमा वालों के लिए। जो प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट है वो है हमारी ITI के विद्यार्थियों के लिए। आपका अभी कोई पेड कोर्स चल रहा है क्या मैम? कोई स्टूडेंट हमसे सजेशंस मांग रहे थे आपकी क्लास के लिए? ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज धुंधरा जी, आप उनको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करवा सकते हो। फाउंडेशन बैच लाइफ टाइम तैयारी करने के लिए बेस्टेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है जी। ज्यादा जानकारी क्लास के इस सेशन के बाद देती हूं आपको, ठीक है। इसके बाद ये देख लीजिएगा, साथ में उसने पोस्ट भी बताई है कि कहां कहां पे उसको ये जो कहां कहां पे मिल सकती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ पोस्ट के लिए उसने एक्सपीरियंस भी मांगा है, मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो यहां पर एक साल का, चाहे डिप्लोमा वाले हो चाहे आप ITI वाले हो, एक एक साल का भाई आपका यहां पर उसने एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। नो डाउट आड़ी टेढ़ी चीज है, लेकिन भाई ठीक है। और इसमें आपको यहां पर आगे पोस्ट के बारे में पता चल गया भाई कौन कौन से। अब ये देखो, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिकल की बात करती हूं तो प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट के लिए 3 साल का उसने डिप्लोमा, ऐसे ही अगर आपने कंप्यूटर्स के हो तो कंप्यूटर में 3 साल का डिप्लोमा, फाइनेंस में आपने डिग्री होनी चाहिए, HR और फाइनेंस वालों के लिए डिग्री मांगी गई है, याद रखिएगा, ठीक है। साथ में 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स भी हो। और इसके बाद
बाद अगर हम अपने अपने ट्रेड वालों के ऊपर आ जाते हैं, ट्रेड वालों के लिए उनकी रेलिवेंट ट्रेड में, अगर जैसे इलेक्ट्रीशियन हो तो आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए, आईटीआई कंप्लीट चाहिए, आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फिटर वाले हो तो फिटर में, इलेक्ट्रीशियन हो तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपकी आईटीआई होनी मैंडेटरी है भाई, कंप्लीट होगी तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो, ये याद रखिएगा। इसके बाद यहां पर आ जाइए नेक्स्ट जो उसने आपकी लगाई, एक साल का यहां पर वन ईयर एक्सपीरियंस मांगा है भाई, आपका एक्वायरिंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एज ऑन 2/5/2020, वन ईयर आपका यहां पर एक्सपीरियंस हो तो भी चलेगा, नहीं तो मैंने जैसे कल ONGC में भी बताया था, इसमें भी उससे पहले इसमें भी बता दूं, इसमें भी क्या है कि अगर आपने एक साल का अप्रेंटिसशिप की हुई है ना, डिप्लोमा के बाद यदि आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो भी आप भर सकते हो, अप्रेंटिसशिप अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चलेगा यदि तुम्हारे पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो, ठीक है जी, ये भी याद रखिएगा, अप्रेंटिसशिप का बंदा भी अलाउड है। इसके बाद यहां पर फिर उसने यहां पर क्या बोला, ये तो ठीक है, उसने एंड आपकी आपको सैलरी बता रहा है कि कितनी कितनी आपको मिलेगी, पहले साल आपको मिला करेगी 25,000, फिर आपकी 26,500, 28,500, 29,500, ठीक है, ये आपका मांगा हुआ है भाई, और ये हमारी डिप्लोमा वालों के लिए और ये हमारे डिग्री वालों के लिए, ये हमारे डिप्लोमा वालों की और ये हमारे आईटीआई वालों के लिए सैलरी बता रखा है उसने, डिप्लोमा और ये हमारे आईटीआई के विद्यार्थियों के लिए कि कितनी कितनी उनको सैलरी मिलेगी। अच्छा, इसके बाद एक सेकेंड, ये पूरी नहीं आई, ओ इसके बाद आपको एग्जाम डेट्स बतानी है मेन, एक सेकेंड रुकिए, रील डाउनलोड करना होगा हमें इसे, ये कुछ इंटरनेट का इशू आ रहा है भाई कि ये आपकी पूरी डाउनलोड नहीं हो पाई। खैर चलिए, मैं आपको ये जानकारी अपने फोन में से लेकर बता देती हूँ कि बाकी क्या क्या इंफॉर्मेशन है। इसके बाद यहां पर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और निकल कर आती है यहां से, उसकी बताऊं कि ये अब आपके भरे कहां से जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं भाई कि कब से कब तक ये भरे जाएंगे, तो इनकी यहां पर बात करूं तो यहां पर अगर मैं इसकी आपकी बात करती हूं तो 14 मई से, यानी कि इस सैटरडे से, 14 मई से ये भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे भाई, 14 मई से ये भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ये बता दूं, और आपके 28 मई तक, नहीं सॉरी 14 मई से लेके 4 जून तक, 14 मई से लेके 4 जून तक ये आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, 14 मई से लेके 4 जून तक आपकी ये, आप इस फॉर्म को अलाउ, इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है, एक ये जानकारी। इसके बाद दूसरा आपको बता दूं, इसकी जो फीस रहेगी, इसमें आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी है भाई, हार्ड कॉपी भी भेजनी है आपको बता दूं, हार्ड इसकी आपको फॉर्म भरने के बाद ना उसका प्रिंट निकाल के अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ हार्ड कॉपी भी भेजनी है, और वो हार्ड कॉपी आप 13 जून तक भेज सकते हो। इसमें आपको नोटिफिकेशन अटैच करा दूंगी, उसके नीचे आपको पूरा एड्रेस भी दिया हुआ है, आपको इसकी हार्ड कॉपी 13 तारीख तक भेजनी है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको बताऊं यहां पर ये पता चल गया, अब बात आती है कि मैडम ये है फॉर्म कितने का, ये फॉर्म कितने का है भाई, आपको बता दूं जो अनरिजर्व्ड है, मतलब हमारे जनरल कैटेगरी के बंदे हैं, उनके लिए ये फॉर्म है आपका 200 रुपए का भाई, 200 रुपए का है आपका। इसके बाद बता दूं नॉन रिफंडेबल फीस है भाई, ये आपको 200 का है आपके अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपए का फॉर्म है ये, याद रखिएगा।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद एज रिलैक्सेशन आपकी वही वही है। फिर अब बात आती है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है भाई, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसकी बात करें। आपको बता दूं, सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका जो भी आपने अपनी अगर हो जाते हो, उसके बाद आपका यहां पर टोटल सिलेक्शन कैसे मिलेगा। मैडम सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 100 मार्क्स के आपकी टोटल लिस्ट लगेगी। वो 100 मार्क्स में आपका कैसे लगेगा भाई, ये बता दूं आपका। सबसे पहले तो भाई रिटन सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें से 75 नंबर जो है वो आपके उसी सीबीटी के हैं। 75 नंबर आपके के सीबीटी के हैं और 10 मार्क्स जो हैं वो आपके आपके क्वालिफिकेशन के हैं। जो अगर आपने जो आपकी पंकज मैं जानकारी दे दूंगी बेटा, बीटेक वाले, हाँ अगर राहुल कोहली जी डिप्लोमा है फिर बीटेक है तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा है फिर बीटेक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 100 नंबर का आपको बताया था कि टोटल है, जिसमें से 75 नंबर का आपका सीबीटी है, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर जो है आपके, 10 मार्क्स जो बच्चा आपको मिलेंगे वो आपके जो 1 ईयर एक्सपीरियंस का था भाई, 1 ईयर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, आपका अप्रेंटिसशिप का है उसके। अगर कईयों के पास एक से ज्यादा का होता है तो उनको मार्क्स उसी अकॉर्डिंग एलोकेट किए जाएंगे। और बाकी जो 15 नंबर हैं, ये 15 नंबर जाते हैं इंटरव्यू। जी हाँ, इसमें इंटरव्यू भी है। ये इस तरीके के करके टोटल जो है वो आपके 100 नंबर यहां पर बनते हैं, जिसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तय की जाएगी, ठीक है जी। जिसके आधार पर आपकी क्या होगी, मेरिट लिस्ट यहां पर तैयार की जाती है, ठीक है। और फिर आपको यहां पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर निर्धारित किया जाएगा, ठीक है भाई। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए थी, जिन भी बच्चों ने, हालांकि अभी इसकी 14 मई से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होंगे भाई। और मैंने जैसे कल भी बोला था कि जो ऐसी छोटी छोटी भर्तियां आती है ना, इनको जरूर भर लिया करो भाई। 14 तारीख से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होने हैं, तो भाई तुरंत ये मत देखना कि 4 जून का वेट करो कि आखिरी तक भरेंगे। आखिरी तक मत भरना भाई, पहले ही अपने भर दीजिएगा। मेन जानकारी आपको दे दी है, यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आपको कल इसके बारे में भी जानकारी दे दूंगी। और जो आप लोगों को बता दूं, डिप्लोमा जो भी आप लोगों के इलेक्ट्रिकल वालों की डेली क्लास चला करती है इसी समय 5 बजे, तो जुड़ना मत भूला करो भाई जी। तो आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद।